वो एसडी कैम का यूज करता हूँ। एसडी कैम पे बताने का यूज रोवर वाइप्स के नाम से होगा। ये वन प्लस का अडैप्टर है, मतलब यू कैन कनेक्ट विद 3.5 mm, क्योंकि ये टाइप सी होता है और टाइप सी वन प्लस में, मतलब वन प्लस जो कि जितने भी फोन है उसमें टाइप सी लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूम के आए। मैंने माइक भी सेट किया था, तो आज मैं सोच रहा था अपना माइक की जो मोटो व्लॉगिंग करूं थोड़ा सा। अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, अभी तो बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ है। अभी फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपनी राइड्स पे। जब तक मैं थोड़ा सा और एक चाय की चुस्की ले लेते हैं ताकि नींद ना आए हमारी। के बाद हम चलेंगे भाई। ये तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है, एक कप चाय बनाओ और जल्दी से बन जाती है। और मैं आपको एक टिप्स और दे देता हूँ गाइस, जब भी आपकी गैस चाय बोल जाए उसके बाद ना गैस को आप लो फ्लेम पे कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी इसके मसालों की खुशबू है ना वो उड़ेगी नहीं। तो आप इस पे लो फ्लेम पे कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। गाइस बहुत अच्छी टिप्स बताइए, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। गाइस बहुत अच्छी चाय बनी है, बिल्कुल एकदम कड़क चाय बनी है। सारी की सारी नींद हमारी भाग चुकी है। अब इस चाय को पीते हैं, अपने राइडिंग गेयर्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और हम चलते हैं अपनी राइड पे और फटाफट से फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और मिलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट। जब तक के लिए कीप वॉचिंग। हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार एक्चुअली बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी। मतलब जाना तो हमें सुबह था लेकिन यार फ्रेंड्स आ नहीं पाए, तो अब यार और मैंने आज का आधा व्लॉग शूट कर लिया था, तो यार मुझे आपके लिए आना पड़ा। क्योंकि यार आपको मैंने बोला था मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी माइक टेस्टिंग बताने वाला हूँ, तो बस इसलिए यार मुझे अब लेट नाइट ही, मतलब लेट नाइट तो नहीं, अभी 6:30 AM है भी और मेरा हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, आपको कैमरे की क्वालिटी भी पता लग जाएगी कि नाइट में कैसा है, क्योंकि दिन में तो सभी कैमरे अच्छे होते हैं और नाइट में डिपेंड करता है कि कौन सा कैमरा अच्छा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा निकल गया, मैंने कहा आपके लिए एक छोटा सा एक मोटो व्लॉग शूट कर लूँगा कि कैसे जिम में जा रही है। हमने वो लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो हमने जुगाड़ किया था फॉर्म वगैरह के साथ, तो अब जो जिम में है आप मुझे बताना कि काफ़ी कितना फ़र्क पड़ा है मेरी मोटो व्लॉगिंग पे। आप इसका ओरिजिनल माइक ही लें अगर आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए चाहिए स्पेशली। तो बाकी देखो नॉर्मल माइक तो कोई भी काम करता है, लेकिन जो क्लैरिटी होती है वो एक ऑथेंटिक उसके अंदर ही आती है। मतलब अगर ऑथेंटिक का प्रोडक्ट होता है उसमें आपको मिल पाएगी। तो भाई अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा है, एक ही सीट पे बैठो, एक ही सीट पे बैठो। एक मतलब छोटा सा काम है, मुझे अपने मोबाइल का ना एक अडेप्टर लेना है जिससे मतलब मोबाइल में 3.5 mm की रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये पूरी भाई फ़ोन की मार्केट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार।
और बस इन्हीं फ़ोनों की दुकानों में मुझे पूछना है, मेरा जो भी सारा का सारा जो भी है मिल जाएगा। अडेप्टर लेना था एक, बस वो अडेप्टर ले लूँ अगर मिल जाएगा। मे भी वन प्लस के यहाँ पे मिलना ही चाहिए। कोई भी एसेसरीज लेनी है तो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं कैमरे में देख रहा, कैमरे में देखूँगा तो किसी टक्कर लग जाएगी, क्योंकि संडे है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे। ये जो पीछे जो ये लाइन लग रही है ये वाली, ये है क्रोमा की लाइन, ये सारी मतलब लाइन से साथ जा रहे हैं और इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ क्रोमा के अंदर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अडेप्टर लेके फटाफट से। गाइस तो यार क्रोमा से निकल गए हैं अब, और अडेप्टर तो मिल गया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये अडेप्टर है, ये वन प्लस का अडेप्टर है, मतलब यू कैन कनेक्ट विथ 3.5 mm, क्योंकि ये टाइप सी होता है और टाइप सी वन प्लस में, मतलब वन प्लस जो कि जितने भी फ़ोन है उसमें टाइप सी लगता है, तो आप इससे 3.5 mm कनेक्ट कर सकते हैं। और माइक भी यूज़ करना है आपको, या फिर आपको हैंड फ्री यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, तो इसी को मैं ढूंढ रहा था। ये मुझे लगभग पड़ा है 399 समथिंग, मुझे पड़ा है 399 का पड़ा है विद बिल GST के साथ कंप्लीट, मुझे 400 का मान सकते हो। अब ये मुझे 400 का पड़ा है कंप्लीट, अकेले आया हूँ, मतलब सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर वन प्लस फ़ोन लोगे ना तो आपको उसके अंदर कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, मतलब एक आईफोन से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको आईफोन से कंपैरिजन करना है तो आप वन प्लस 8 प्रो का कर सकते हो, जो अभी लॉन्च हुआ था। उसकी लगभग कॉस्ट है 55,000 है, और आप उसका एक्स प्रो मैक्स से भी मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। उसमें चार कैमरे हैं, वाइड एंगल है, मैक्रो है, और नॉर्मल उसका जो कैमरा है वो मे बी सोनी का है 12 MP का, आप उसे मतलब देख लेना। मुझे इतना कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, लेकिन जो अगर आप व्लॉगिंग के लिए चाहते हैं कैमरा लेना और बजट में चाहते हैं तो आप वन प्लस का ले सकते हैं। और क्योंकि इसमें जो रोम भी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको 256 का जो वेरिएंट होगा उसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मैं घर की तरफ जाऊँगा तो पूरी मोटो व्लॉगिंग की ना एक बार आवाज़ भी सुन लेना अच्छे से, क्योंकि अभी मैं जो चला रहा था वाइज़र क्लोज करके चला रहा था, अब मैं वाइज़र ओपन करके चलाऊँगा। उसमें जितना भी जो बाहर का नॉइज़ है वो भी चेक करना कि आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी विंड नॉइज़ आ रही नहीं आ रही, तो यार उसमें मुझे सारा चेक करके बता देना। यार आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, और चाहे सब्सक्राइब जो ऊपर लाल बटन आ रहा है पहले वो दबा दो, आगे की मोटो ब्लॉगिंग बाद में देखना, पहले वो बटन दबा दो जल्दी से, उसके बाद आपके आगे की ब्लॉगिंग देख लेना। आप सब बोस एसडी गेम का यूज़ करता हूँ, रोवर वाइप्स के नाम से होगा। अभी जस्ट मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ये वाला, ठीक है, इसमें ये दो कुछ वीडियोस हैं। मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा था, मुझे आज कुछ बोलना था, मतलब इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं अभी, स्टेबलाइजेशन वगैरह इसमें जो भी है वो चेक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। अरे बाबा जी क्यों खड़े हो आप, बाबा जी आराम करो। अरे यार इस उम्र में भी यार ऐसे लोग करते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है यार, बेचारे रात में बताओ कुछ बेच रहे हैं, पहन बेच रहे हैं, तो कोई नहीं यार, गड्ढे के साथ बन जाते हो ना तो यार इन लोगों की यार जरूर कुछ करें, अगर आप लाइफ में अपने अपील कर लेते हो जो भी आप चाहते हो तो यार ऐसे लोग हमेशा जरूर कुछ करना, जितना भी आपको होता है। चलो गाइस अपन घर की तरफ पहुँच गए, तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक करके जाना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि नोटिफिकेशन आया है नई वीडियो आई है, तो इसलिए प्रेस कर दिया बेल आइकन पर ताकि तुम्हें सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।